राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का बयान, गवर्नमेंट प्रेस का निरीक्षण करने के बाद बोले राजस्व मंत्री, कागज खरीदी में है पूरी तरह पारदर्शिता। पहले कागज खरीदी में होती थी गड़बड़ी, बिना टेंडर कागज खरीदे जाते थे, लेकिन अभी ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है। बाहर से नहीं हो रही किसी तरह की प्रिंटिंग, पहले घाटे में चलता था, अब मुनाफे में चल रहा है गवर्नमेंट प्रेस। यदि गड़बड़ी निकलती तो सीधे कार्यवाही होती, अपील होती ही नहीं। कानून सबके लिए बराबर है, भ्रष्टाचार मुक्ति रहेगा, भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा राज्य। विभाग गड़बड़ी करने वालों को छोड़ेगा नहीं, गड़बड़ी की सजा सबके लिए बराबर है। यदि मंत्री गड़बड़ी करे तो मंत्री करण सिंह वर्मा को भी वही सजा मिलेगी जो सजा मंत्री सबके लिए कह रहा है। कंप्लीट। और बाहर से अगर टेंडर के कागज बिगर अनुमति के आते थे तो मैंने सबको रेस्ट किया था। आज मैंने देखा तो हमारे यहाँ इसके मुखिया मालम्बे जी है, मेरे यहाँ कलेक्टर हैं, बहुत ही अच्छा काम है। आज मैंने देखा तो सभी हमारे पूरे चुनाव के सभी फ्रंट हो रहे हैं, कागज है जो टेंडर से बुलाते हैं, और कोई घाटे में हमारा विभाग हमारा गवर्नमेंट प्रेस नहीं है। अच्छा लगा मुझे कि हमारे अधिकारी वो कर्मचारी सब मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। अच्छा काम है तो धन्यवाद दूंगा। कानून सबके लिए बराबर है, एक परिवार की तरह हम काम करते हैं, गलती होगी उसकी सजा मिलेगी और मेरे पास कोई अपील नहीं होती। तो अच्छा लगा मुझे कि मेरा गवर्नमेंट प्रेस है जो मुनाफे में चल रहा है, हमारे बाहर से कोई भी हम प्रिंट नहीं मंगवाते, ये अच्छी बात देखी। तो उनको सबको धन्यवाद दिया। अभी हमारा आयुष्य महाअभियान चल रहा है तो जो कलेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, देखना अच्छा काम करे, उनका सम्मान होना चाहिए, और जो गलत नियम से उपयोग करे उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सर कोई नए दिशा निर्देश जारी किया आपने? नहीं, देखिए दिशा निर्देश जारी वहां होते हैं जब कोई गलत काम होता है, वैसे काम नहीं जी। अब यहाँ तो क्या है कि सभी अधिकारी मैंने बैठक ले रहा था, सभी ने कहा था हमारा गवर्नमेंट प्रेस लाभ में चल रहा है, लाश में नहीं चल रहा। तो आप देखते हैं जगह लाश होता है और कागज कहाँ से आता है, तो हमने पूछा सब इसके टेंडर होते हैं, तीन चार टेंडर होते हैं, उसका कम टेंडर उससे कागज देते हैं, उस समय पे प्रिंट कर देते हैं, समय से उनका कार्य जो है सुचारू रूप से कार्य करना चाहिए।